यहाँ की वीडियो अभी तक YouTube पे किसी ने भी नहीं दिखाई है। तो मतलब जो भी प्राइस इसका है वो सब ट्रांसफर वगैरह सब उसी में इंक्लूडेड है या एक्स्ट्रा लगे? वेलकम बैक रागिरेंस, क्या हाल है सबके। दिस इज़ यूसुफ परवेज बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने सेकेंड हैंड बाइक की वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद से सेकेंड हैंड मार्केट की कोई वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल ही एक नई प्लेस पर। यहाँ की वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं दिखाई है। सबसे पहले वीडियो आपके भाई के चैनल पर आ रही है तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह है पटना का। और पीछे आप देख सकते हो प्री ओन्ड व्हीकल्स का यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है। यहाँ अंदर में काफ़ी सारी बाइकें खड़ी हैं, स्कूटी वगैरह सब कुछ है। तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर और जानेंगे कि किस टाइप की बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये बाइक्स कहाँ से आती हैं, क्या रेंज है इनके, इसका टोटल डिटेल्स हर एक गाड़ी का आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की जाए लोकेशन की तो ये जो सामने में आप देख रहे हो ये बाईपास है और ये सीधा सामने में इधर आपको मीठापुर बस स्टैंड है। अगर आप मीठापुर बस स्टैंड की तरफ से लोकेशन लेते हो तो मीठापुर बस स्टैंड से आपको जो सीधा रोड आता है बेऊर जेल की तरफ, उधर ही आना है। सरिस्ताबाद एरिया पड़ता है ये और यहीं पर सामने आपको दिख जाएगा अलंकार होंडा का शोरूम और इसी में सेकेंड फ्लोर पर आ जाना है आपको। साइड से इसका रास्ता है, ये रास्ता है, ये पकड़ कर आपको सेकंड फ्लोर पे आ जाना है। और सेकंड फ्लोर पे आने के बाद ठीक सामने में आपको दिख जाएगा प्री ओन्ड व्हीकल्स का यहाँ पे अलग से एक स्लॉट बनाया गया है, शोरूम टाइप का है, ये आप देख लो फ्रेंड्स। यही है वो शोरूम जो बनाया गया है अलंकार होंडा के ऊपर, बेस्ट डील होंडा के नाम से। ये आप देख सकते हो अलंकार होंडा प्री ओन्ड टू व्हीलर्स। और अंदर में देख सकते हो आप लोग कि इधर लाइन से स्कूटियाँ खड़ी हैं और इस साइड में बाइक्स खड़ी हैं। तो एक एक करके अब हम लोग लेंगे इन सारे गाड़ियों के डिटेल्स। तो हम लोग आ चुके हैं शोरूम के अंदर और ये भैया लोग हैं, यही लोग हम लोग को बताएंगे बाइकों के बारे में। भैया एक बार हाय कर दीजिए। हाय, ये गाड़ी 2012 मॉडल है, पैशन प्रो, इसका प्राइस आपका है 35,000। सेकंड ओनर या फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर है, गाड़ी पटना नंबर है, ट्रांसफर करके मिलेगा। ट्रांसफर करके, तो मतलब जो भी प्राइस इसका है वो सब ट्रांसफर वगैरह सब उसी में इंक्लूडेड या एक्स्ट्रा? नहीं, जो गाड़ी अलग अलग चार्ज है, किसी का 2500 रुपए, जो गाड़ी कैश है 2500, जो गाड़ी फाइनेंस पे उसका 3500 रुपए है, बाकी सब पेपर कंप्लीट रहेगा। गाइज ये है हीरो की पैशन प्रो, पटना रजिस्टर्ड नंबर है गाड़ी ये और फर्स्ट ओनर गाड़ी है और जो भी इसको लेंगे वो होंगे इसके सेकंड ओनर। सीट कवर वगैरह सब इसमें लगा हुआ है, गाड़ी की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है और ये आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हो बिल्कुल वर्किंग है। और ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 35,000 रुपये में और गाड़ी में कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अप टू डेट गाड़ी है ये। ये आपको 2014 मॉडल है, ऑल पेपर इसका कंप्लीट है, प्लस इसका 2500 ट्रांसफर का है, इंश्योरेंस सब वैलिड है, पटना नंबर है, गाड़ी आपको 16,000 चली हुई है। गाइज ये है हीरो की ग्लैमर। सबसे पहले आप इसका मीटर कंसोल देख लो, ये भी वर्किंग है और इसके हैंडल बार में लगाए गए हैं बार एंड लाइट्स, आफ्टर मार्केट हैं ये। और ये ब्लू और ब्लैक डुअल टोन में है, पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर ये भी है और ये आपको मिल जाएगी 40,000 में। ये गाड़ी चली है सिर्फ और सिर्फ 16,000 किलोमीटर और 2014 का इसका मेक है। ये इसका हो गया फ्रंट से आप लुक देख लो, टायर्स वगैरह बिल्कुल अच्छे कंडीशन में लगे हुए हैं। 2015 लास्ट की है, 28 दिसंबर 2015। ये गाड़ी आपको लमसम चली हुई है 15,465, ये आपको फाइनल पड़ेगा 40। तो 40,000 में आप लोगों को स्प्लेंडर प्रो मिल जाएगी। टायर्स आप चेकआउट करो, बिल्कुल ब्रांड न्यू डले हुए हैं इसमें। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्रो, थोड़े बहुत स्क्रैचेस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बट गाड़ी ये काफ़ी अच्छी है। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2015 का मॉडल है ये, इसका मीटर कंसोल, गाड़ी ये चली हुई है 15,465 किलोमीटर और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी 40,000 में। ये लिगो है, न्यू जनरेशन है, ये आपको 2016 मॉडल की है, ये गाड़ी आपकी बहुत कम यूज की हुई है, इसका फाइनल आपको पड़ेगा 40,000 में आपको होंडा की लिगो मिल जाएगी और काफी ब्रांड न्यू कंडीशन में ये है, आप लोग देख सकते हो। ये है होंडा की लिगो,
ब्लैक कलर में है और इसका ग्रीन ग्राफिक्स डला हुआ है इसमें, कंपनी से आई थी ऐसी। और इसका मीटर कंसोल कुछ ऐसा है, काफ़ी स्टाइलिश है। 13,760 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी ये, और ये आपको मिल जाएगी 40,000 में। 2016 का मॉडल है, पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये आपको है डीलक्स, एचएफ डीलक्स, सिर्फ पे स्टार्ट रनिंग गुड कंडीशन। ये इसका फाइनल आपको पड़ेगा 35। तो 35,000 में आपको एचएफ डीलक्स मिल जाएगी। हाँ, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट के साथ। और भैया ये कितने दिन की चली हुई गाड़ी है? 2013 मॉडल है। 2013। ये है हीरो की एचएफ डीलक्स, इसमें सेल्फ स्टार्ट भी है और ये पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है और ये आपको 35,000 में मिल जाएगी। ये एक्टिवा 5G है। एक्टिवा 5G एलईडी लाइट, ये बिल्कुल न्यू वाला मॉडल है। ये आपका 50,000 का है। 50,000 में एक्टिवा 5G। ये कितने दिन का है भैया? ये आपको 2018 का है। ये है होंडा की एक्टिवा 5G जो एलईडी हेडलाइट्स के साथ आई थी, वो वाली है ये। 19,644 किलोमीटर चली हुई है। मीटर कंसोल इसका वर्किंग है, आप देख भी सकते हो। सामने से इसका लुक कुछ ऐसा है, एलईडी हेडलाइट्स हैं और BS4 गाड़ी है ये, और ये आपको मिल जाएगी 50,000 में। ये है आपका एक्टिवा 3G 2013 मॉडल, इसका है 35,000। ये गाड़ी है एक्टिवा 3G, पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है, 2013 का मॉडल है ये, और ये आपको मिल जाएगी 35,000 में। और ये गाड़ी चली है सिर्फ 15,875 किलोमीटर ऑन मीटर। मीटर कोई भी टेम्पर किया हुआ नहीं है। शोरूम में गाड़ी खड़ी है ये, आप लोग चाहो तो क्रॉस चेक करवा सकते हो। ये आपको एविएटर है 2015 मॉडल, गाड़ी पटना नंबर। ये आपको गाड़ी चली हुई 16,000 का। ये है होंडा की एविएटर, ये चली हुई है 15,045 किलोमीटर और ये आपको अवेलेबल हो जाएगी 35,000 में ओनली। ब्लैक कलर की है गाड़ी, काफ़ी मेंटेन की गई थी और 2015 का मॉडल है ये। और अभी खड़ी है ये होंडा के प्री ओन्ड टू व्हीलर वाले शोरूम में। टायर कंडीशन कुछ इसका ऐसा है, टायर इसके अभी काफ़ी बचे हुए हैं। और ये है एक्टिवा 125 BS4, ये आपको 2018 मॉडल, ये आपको फाइनल पड़ेगा 50,000। 1,500 आगे पीछे हो सकता है, तो मतलब नेगोशिएशन भी आता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। और फिर से हमारे सामने एक है होंडा की एक्टिवा, ये एक्टिवा 125 है। ये इसका फ्रंट लुक ऐसा है, ये इसके टायर्स ब्रांड न्यू टायर्स डले हुए हैं, पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है ये। ये BS4 है और 2018 का मॉडल है और ये आपको अवेलेबल हो जाने वाली है मात्र 50,000 में। और ये गाड़ी चली है 17,025 किलोमीटर ऑन मीटर बिना किसी टैम्पर के। इसका मीटर भी डिजिटल आता है और इसमें इसका आप चेकआउट कर सकते हो। मीटर वर्किंग कंडीशन में है। ये गाड़ी है होंडा डियो 16 लास्ट की गाड़ी है, आपको 28 दिसंबर 2016, इसका फाइनल पड़ेगा 40,000 में आपको होंडा की डियो मिल जाएगी। गाड़ी गुड कंडीशन में है और सबसे ज़्यादा डिमांड में ये गाड़ी है होंडा की। और अब मैं आपको दिखाता हूँ होंडा की डियो, ये है रेड एंड वाइट कलर, डुअल टोन में है ये गाड़ी। पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है, 2016 की है, 4 साल चली है। 40,000 में ये अवेलेबल है और चली है ये 15,774 किलोमीटर। टायर कंडीशन आप देख सकते हो, इसके इंडिकेटर्स में आफ्टर मार्केट LED बल्ब डाले गए हैं। गाड़ी मेंटेन की गई थी बट अनफॉर्चुनेटली बिक चुकी है और आप लोगों का इंतज़ार कर रही है ये शोरूम में खड़ी होकर फिर से एक बार रोड पे चलने के लिए। भैया ये जो भी गाड़ियां हैं यहाँ पे जो अवेलेबल होता है तो फाइनेंस वगैरह भी है आप लोगों के पास? नहीं, सेकंड हैंड का फाइनेंस सुविधा नहीं। सेकंड हैंड का फाइनेंस नहीं। ये है बजाज की डिस्कवर, इसका पड़ेगा आपको 35,000 रुपये। और भैया कब का मॉडल है ये? 2014 का मॉडल है। 2014 और ओनर? ओनर फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर, तो मतलब जो भी ये बाइक लेंगे वो सेकेंड ओनर हो जाएंगे ना? हाँ, गाड़ी ट्रांसफर करके ही मिलेगा कोई भी गाड़ी। ये आपको है मेस्ट्रो 2016 मॉडल, ये आपको पड़ेगा 38,000। ओनर ये आपको 2010 फर्स्ट ओनर, सारी गाड़ियाँ या फर्स्ट ओनर? सारी गाड़ी या फर्स्ट ओनर। तो ये आपको 2010 मॉडल है, ये आपको होगा 20,000 में। 20,000
और उस ट्रांसफ़र वगैरह तो सारा चीज़ करा के ही होगा। तो गाइज अगर आप लोगों के मन में आ रहा है कि हम किस टाइप की गाड़ियाँ यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो गाड़ियों की आप कंडीशन देख लो, अगर इस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी है तो आप यहाँ एक्सचेंज करा के प्राइस ले सकते हो। पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको वैल्यू दे जाएंगी, जैसे कि भैया ने बताया है कि 2010 का मॉडल है, दैट मीन्स कि ये 10 साल पुरानी स्कूटी है और फिर भी यहाँ एक्सचेंज में आ गई है। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग सकता है कि आपकी जो भी टू व्हीलर हो, जिस भी कंडीशन में हो, जितनी भी पुरानी हो, जितनी भी पुरानी मीन्स कि एक लिमिटेड उसका वैलिड पेपर्स हों, आप यहाँ आकर एक्सचेंज करा कर या तो नई बाइक ले सकते हो या कैश ले सकते हो। भैया ये जो भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, तो ये किस टाइप की गाड़ियाँ होती हैं? ये गाड़ी जैसे जिनको सेकंड हैंड गाड़ी दे के नया गाड़ी परचेज करना है उस तरह का गाड़ी है, या कुछ कस्टमर है जिनको गाड़ी बेचना है या बदलना है, वो गाड़ियाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, या नया पुराना गाड़ी कोई भी एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं कोई भी बाइक लेकर आऊँगा और यहाँ पे आपको उसका उचित रेट लग जाएगा। हाँ, रेट लग गया तो फिर कंपलसरी है कि होंडा की ही गाड़ी लेनी है या नहीं? नहीं, कैश लेके जाते हैं। कैश भी ले सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट टोटल कंप्लीट होना चाहिए। ज्यादातर हम लोग प्रेशर डालते हैं होंडा का ही गाड़ी लेना। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को भैया ने बता दिया, आप लोग यहाँ पे आके सिर्फ एक्सचेंज भी करा सकते हो, कोई भी टू व्हीलर हो आपके पास वो आप लोग एक्सचेंज करा सकते हो, यहाँ पे रेट मिल जाएगा आपको। और अगर आपको होंडा की बाइक्स लेनी है तो नीचे शोरूम है इनका अलंकार होंडा का, वहाँ से आप ले सकते हो, अदरवाइज आप कैश लेकर भी दूसरी बाइक खरीद सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक देकर जाना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दो। भैया आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये यूट्यूब पर आप लोगों की पहली वीडियो होने वाली है ना? हाँ, पहला वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया और भैया से भी कंफर्म करा दिया कि यहाँ की अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं डाली है, तो उस वजह से इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। खत्म करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय। नाम हुआ मेरा पिंटू कुमार, फोन नंबर हुआ 9304108204। फिर से बोल देता हूँ, 9304108204। एड्रेस हुआ गया अलंकार मुंडा बाईपास सरिस्ताबाद, बस स्टैंड से 1 किलोमीटर 70 फीट के नियर में इंडियन पेट्रोल पंप। कोई भी गाड़ी अगर उनको एक्सचेंज करना हो, रॉयल एनफील्ड हो, बजाज का गाड़ी हो, पल्सर 150 हो, कोई भी एनी का हो, कोई भी गाड़ी यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा।